नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम फ्रूट कस्टर्ड बनाने वाले हैं। फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है, 4 बड़े चम्मच चीनी ली है, 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, 1/2 कप दूध लिया है। इस दूध को हम कस्टर्ड पाउडर में मिला के उसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हमें दूध को कस्टर्ड पाउडर में मिला के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना है कि दूध ठंडा होना चाहिए, अगर दूध गर्म रहेगा तो इसमें गांठें पड़ सकती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारा दूध आधा लीटर है तो इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालें। ये देखिए, अब हमारा कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिल गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम दूध को बॉईल करने रखेंगे। यहाँ मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे धीरे धीरे इस तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा दूध बॉईल हो गया है, ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से हिलाना है और थोड़ी देर उबालना है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। इसे अच्छे से हिला लेना है क्योंकि इसका जो पाउडर है वो नीचे रह जाता है। अब हम इसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से हिलाते रहेंगे। अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो इसमें 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालें। जैसे ही हम कस्टर्ड पाउडर को मिल्क में मिलाएंगे, मिल्क की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होने लगेगी। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी और थिक चाहिए तो आप इसे 2 मिनट के लिए और बॉईल कर लीजिए, तब ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड बन गया है। अब हम गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें फ्रूट्स मिलाएंगे। फ्रूट्स में मैंने मैंगो, बनाना, एप्पल, चेरी, टूटी फ्रूटी, पोमेग्रेनेट, काजू और बादाम लिया है। अब हम इसको हमारे कस्टर्ड में मिक्स करेंगे। इसके अलावा हम इसमें और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पपाया, कीवी और चीकू। कोई भी फ्रूट्स डालें, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमारा कस्टर्ड बनके तैयार है, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़ा सा बादाम डालें, पोमेग्रेनेट, टूटी फ्रूटी और चेरी रखना है। इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो गया है। ये बहुत कलरफुल लग रहा है और बहुत टेस्टी भी है। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।